ये दोस्तों, आज हम लोग सिंगल साइड बैंड के जनरेशन की बात करेंगे। एक एएम जनरेशन मेथड में सिंगल साइड बैंड को कैसे जनरेट करना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर टेक्निक की मदद से डबल साइड बैंड के सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट हम लोगों ने किया था। आइए एसएसबी को जनरेट करते हैं। एसएसबी सिंगल साइड बैंड को कैसे जनरेट करना है, देखो सिंगल साइड बैंड जनरेट करने के तीन टेक्निक है। पहला है फिल्टर मेथड, दूसरा है फेज शिफ्ट मेथड, तीसरा है वीवर मेथड। बारी बारी से हम सारे मेथडों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिल्टर मेथड की बात करते हैं। फिल्टर मेथड की बात करते हैं कि फिल्टर मेथड से कैसे हम लोग जनरेट करते हैं एसएसबी सिग्नल को। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें डीएसबी एससी वेव की आवश्यकता होती है, हमारे मतलब हमें इनपुट पे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वेव की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए, ब्लॉक डायग्राम में बना रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है भाई कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहीं भी, तो हमें किसी प्रकार का जब कोई वेव जनरेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, जो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे साउंड को एक ऑडियो वेव में जनरेट करता है जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, तो ये हमारा एमटी है, मतलब ये हमारा ऑडियो सिग्नल है। और ये जो है हमारा क्या है, बैलेंस मॉड्यूलेटर। ये क्या करेगा, ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाएगा। ठीक है, जैसे यहां से हमने क्या किया, एक ऑसिलेटर लगाया यहां पे और एक कैरियर वेव सीटी, कैरियर को हम लोग सीटी कहते हैं। सीटी बराबर होता है एसी कास टू पाई एफ सीटी होता है, तो हम वो न लिखे तो सीटी लिखते हैं, मतलब कैरियर वेव यहां से गया और यहां बैलेंस मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, और हमें यहां पे डीएसबी वेव प्राप्त हो गया है, डबल साइड बैंड वेव प्राप्त हो गया। ठीक है, करते क्या है, आगे एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग। ये फिल्टर कैसा फिल्टर है, ये बैंड पास फिल्टर होता है। ये बैंड पास फिल्टर करता क्या है, जो डबल साइड बैंड है, डबल साइड बैंड में से एक साइड बैंड को ये सप्रेस कर देता है, तो केवल एक ही साइड बैंड बचता है हमारे पास जिसे हम ट्रांसमिट करते हैं। इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, जैसे ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है और ये हमारा कैरियर है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज में बहुत अंतर नहीं होता है, लगभग सेम ही होती है फ्रीक्वेंसी। तो बैंड पास फिल्टर को ये पहचान पाना कठिन हो जाता है कि किसको हमें रिमूव करना है और किसको हमें भेजना है। ठीक है, हालांकि वो पहले से ही जो है वो मतलब फिक्स होता है कि अपर साइड बैंड को भेजना है इस फिल्टर के माध्यम से, इस लोअर साइड बैंड को भेजना है, यही इस बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करना है, डिसाइड होता है पहले से। अच्छा, एक दिक्कत और है इस मेथड में, वो क्या है कि यदि इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू एकदम कम हो, लेस हो, ठीक है, और कैरियर मैक्स हो, ठीक है, उस कंडीशन में इसका सप्रेशन असंभव टाइप का होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक रिपीटर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, रिपीटर मतलब फिर से यही सर्किट एक बार और लगाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि फिर से वो प्रोसेस रिपीट होता है और हम जो है एसएसबी वेव को प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये बहुत आसान मेथड है, लेकिन ये कॉस्टली है क्योंकि बैंड जो फिल्टर है बहुत बड़े बड़े बल्की फिल्टर लगते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कास्टली पड़ता है, तो कुछ समस्या भी इसमें आई जिसकी वजह से फेज शिफ्ट टेक्निक को इसके कम फिल्टर मेथड कंपेयर में फेज शिफ्ट टेक्निक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। आइए फेज शिफ्ट टेक्निक को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ये भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेज शिफ्ट को समझते हैं हम लोग, फेज शिफ्ट टेक्निक क्या है, फेज शिफ्ट मेथड ऑफ
SSB generation. क्या है भाई, सबसे पहले देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूँ, देखिएगा आप लोग, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है MT, और यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा है, बैलेंस मॉड्यूलेटर, और यहाँ से एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक और बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ऑसिलेटर लगाते हैं यहाँ पे, ऑसिलेटर्स क्या होता है, कैरियर वेव जनरेट होता है, एक कैरियर यहाँ पे गया सीटी, अच्छा यहाँ एक और फेज शिफ्टर लगा था, दो फेज शिफ्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें, नाइंटी डिग्री फेज शिफ्ट, फेज शिफ्टर का प्रयोग करते हैं, दो फेज शिफ्टर लगाया जाता है इसमें, ठीक है, और इन दोनों के आउटपुट को यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कैरियर इधर आया, कैरियर यहाँ पे आया, और यहाँ से दोनों के आउटपुट को भेजा जाता है एडर या सब्सट्रैक्टर के पास, ठीक है, ये आपका एडर भी हो सकता है और सब्सट्रैक्टर भी हो सकता है, इसे फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एसएसबी जनरेट होता है, मान लेते हैं ये S1T है, ये S2T है, यहाँ से आपको प्राप्त होता है, आइए इसको समझते हैं, देखिए यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया, और इसका क्या हुआ, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये तो सीधे चला गया इसके पास सेम फेज में, और यहाँ 90 डिग्री फेज से, मतलब वो उसका फेज आउट हो गया, मतलब आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक ही सिग्नल है, एक सेम फेज में है, एक आउट ऑफ फेज में है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे ऑसिलेटर के माध्यम से कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो भी यहाँ पे सेम फेज में गया, और यहाँ से क्या हुआ, एक आउट ऑफ फेज में फेज शिफ्ट लगा है यहाँ पे, इसकी वजह से फेज शिफ्ट कर दिया गया इसे, 190 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया गया इसे, ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम लोग, देखिए बैलेंस मॉड्यूलेटर वन पे प्राप्त जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वह MT बराबर AM cos 2 पाई FMT है, और जो कैरियर सिग्नल है प्राप्त हुआ वहां पे वो है AC cos 2 पाई FCT, ये देखिए दोनों का ये यहाँ पे मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर पे जाएगा, और यहाँ पे इसका मॉड्यूलेशन प्रक्रिया संपन्न होगा, तो ये हो गया S1T बराबर AM cos 2 पाई FMT AC cos 2 पाई FCT, ठीक है, S1T बराबर AM AC AMAC cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT, देखिए एक काम करिए आप इसे कास से कास बी का फार्मूला बनाने के लिए दो का गुणा कर दीजिए, इसमें दो का गुणा और दो का भाग कर दीजिए आप, दो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया, ये टू कास से कास बी का फार्मूला बन गया, ये क्या है देखिए, जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
am ac by 2 cos 2 pi fc plus fm t plus cos 2 pi fc minus fm t। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसे मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब S2 की बात करते हैं। देखिए इसमें S2 क्या है कि 90 डिग्री सब कुछ आउट ऑफ फेज हो जा रहा है, तो कास्ट जो भी यहाँ वेव भी इसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा AC AM साइन 2 पाई FM T साइन 2 पाई FC T, ठीक है। इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो का गुणा यहाँ कर दीजिए, दो का गुणा दो का भाग कर दीजिए। ये फार्मूला आपका बन जाएगा ए सी ए एम बाई टू, ये हो जाएगा आपका, ये होता है कास टू पाई, कास टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी माइनस cos 2 pi fc plus fm t, ठीक है। इतना गया, आइए s ssb sc बराबर s1 t plus s2 t। आप चाहे तो यहां माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लस का, मैंने एडर का प्रयोग किया है, आप माइनस का मतलब सबस्ट्रैक्टर का प्रयोग करके भी आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया भाई? ये आपका हो गया, यहां देखता हूं, ए सी ए एम बाई टू एस वन था कस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम, एस वन की वैल्यू लिख रहा हूँ, मिटा दिया मुझे, एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस कास टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, एंटर है ना, प्लस होगा फिर एंटर, ये हो जाएगा एम ए सी एम ए सी ए सी ए एम बाई टू नीचे प्लस ए सी ए एम बाई टू कास टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी माइनस कास टू पाई माइनस कास टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ कट पिट रहा है। ए एम ए सी बाई टू का माइनस कास टू पाई एफ सी टी, ये हो गया आपका कुछ कट रहा, कास टू पाई एफ सी प्लस एफ एम, कास टू पाई एफ सी प्लस एफ एम माइनस है प्लस में, तो ये और ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, ए एम ए सी बाई टू काम लेते हैं, ये एम ए सी एम ए सी बाई टू, और ये जुड़ जाएगा, ये हो गया टू कास
2 pi fc minus fm t, ठीक है, ये दो से दो कट गया, तो am ac cos 2 pi fc minus fm t। देखिए दोस्तों, ये ssb sc में प्राप्त हो गया, मतलब यहां देखिए fc minus fm मतलब ये क्या है, आपको याद होगा जब मैंने am का इक्वेशन पढ़ाया था उसमें मैंने वेव फॉर्म जो बताया था तो उसमें fc minus fm lsb को रिप्रेजेंट कर रहा था और fc plus fm अपर साइड बैंड को, तो मतलब जब मैंने एडर का प्रयोग किया तो कौन सा साइड बैंड जो है सप्रेस्ड हुआ, अपर साइड बैंड सप्रेस्ड हो गया और LSB हमको प्राप्त हो गया, मतलब एक साइड बैंड हमको ये प्राप्त हो गया FC माइनस FM, देख रहे हैं। तो ये जो है आपका SSB SC का है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जो है मैंने एडर का प्रयोग किया, आप लोग यहाँ पे सबस्ट्रेक्टर का प्रयोग करेंगे तो आपको अपर साइड बैंड प्राप्त हो जाएगा और एक साइड बैंड रिमूव हो जाएगा। इसमें देखिए ये अपर साइड बैंड रिमूव हो गया है, लोअर साइड बैंड क्यों लाए, जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो अपर साइड बैंड आ जाएगा, लोअर ये वाला माइनस वाला रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बस समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।